हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीनोमियल चैप्टर्स का आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कुछ ट्रिक बताएंगे जो जनरली कोई टीचर बताता नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो हमने दो फॉर्मूला लिखा है ना, अच्छे से लर्न कर लीजिए, रट लीजिए इसको। क्या है, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी अपन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी इंटू सी सी ओवर ए होता है। ओके, तो बी क्या है, बी इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है यहाँ पे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म, एंड ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो होता है तो अल्फा प्लस बीटा निकलते वो होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा निकलते तो सी बाई ए होता है। एकदम लर्न कर लीजिए। अगर पी एंड क्यू आर जीरोज होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो पी प्लस क्यू निकलेंगे और पी इंटू क्यू निकलेंगे, है कि नहीं। तो अल्फा बीटा जीरो होता है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो P एंड Q आर द जीरोज होगा तो क्या होगा, तो P प्लस क्यू माइनस बी बाई ए होगा, एंड P इंटू क्यू सी बाई ए होगा। अगर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द जीरोज होगा तो आप तुरंत निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो दिस प्लस दिस, ओके, एंड दिस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। समझिए स्टूडेंट्स, अगर रूट अंडर पी एंड रूट अंडर क्यू आर द जीरोज बोल देते तो हम ये दोनों का सम निकालते, रूट पी प्लस रूट क्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई ए, एंड रूट पी इंटू रूट क्यू क्या हो जाएगा, सी वाई ए। ओके, ये कॉन्सेप्ट यूज करके तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एंड आएगा भी आगे, तो अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख सकते, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे क्लास 10 का ऑल चैप्टर्स वीडियो है, वहाँ पे जाकर भी आप पॉलीनोमियल्स चैप्टर्स का फोल्डर सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिक लिख दिया है, आप सारे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। कोई भी सम्स में अगर अल्फा माइनस बीटा दिखेगा तो तुरंत उसके जगह पर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा हो उसका माइनस फोर अल्फा बीटा, मतलब ये दिखेगा तो तुरंत आप ये लिखेंगे। क्यों, रीजन क्या है, हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा तो तुरंत आप लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा हो उसका माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू दिखेगा तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दिखेगा तो तुरंत आप ब्रेक कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। और देखिए, इसमें अल्फा माइनस बीटा है, अच्छा से देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो हम ये जो अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे अनचेंज रखा और अल्फा माइनस बीटा के जगह पे ये जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दिखेगा तो तुरंत आप ये लिख दीजिएगा, आप ये स्टेप लिखिए, इसके बाद ये स्टेप लिखिए, उसके बाद ये स्टेप लिखिए, और अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू दिखेगा तो तुरंत ये स्टेप लिखिएगा, और अल्फा माइनस बीटा तो दिख रहा है तो आप ये अल्फा माइनस बीटा यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिएगा एक्चुअली इसका प्रूफ क्या है, ये तो टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या है, ए प्लस बी हो स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी हो स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा हो जाएगा, ए बी से ए बी बोलेंगे और अल्फा बीटा से अल्फा बीटा बोलेंगे, और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ये तो एक्चुअली ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी होता है तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और अल्फा प्लस देखिए अल्फा माइनस बीटा की जगह पर ये लिख दिया। अब देखिए, ये भी फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। देखिए अब वन नंबर कैसे हम ये लिख सकते हैं वो बता देते हैं आपको। देखिए आप तो जानते ही, ए को आप लिख सकते हो रूट अंडर ए स्क्वायर, है कि नहीं। तो अल्फा माइनस बीटा
को आप लिख सकते हो रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट को बोलते हैं होल, तो हम सिर्फ ब्रैकेट दे दिया इसीलिए होल स्क्वायर बोल रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्फा माइनस बीटा को आप ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हटेगा तो यही आएगा। आप एक फॉर्मूला तो जानते ही है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। क्यों आप बोलेंगे क्यों, देखिए आप तो जानते ही है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल फार्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम ए माइनस बी होल स्क्वायर क्यों ये लिखा है, देखिए ये जो आना चाहिए ये ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर, बट हमने लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए। आप इसको ब्रेक करिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस अब फोर ए बी बचेगा। आप जानते ही है प्लस टू ए बी और माइनस फोर ए बी क्या होता है, माइनस टू ए बी होता है ना, तो ए स्क्वायर बचेगा और माइनस ये प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी माइनस टू ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो हम थोड़ा सा घुमा के लिखा ये जो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को थोड़ा सा घुमा के लिखा, कैसे प्लस टू ए बी ऐड किया माइनस फोर ए बी ऐड किया। ओके, मतलब माइनस टू ए बी की जगह पे प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी लिख दिया, और ये तो एक्चुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये अंदर वाला फॉर्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा लिख सकते हैं, वही लिखा था हमने। तो अल्फा माइनस बीटा देखिएगा तो तुरंत अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा लिख दीजिएगा। तो इससे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सम्स करते हैं, लास्ट वीडियो में हम बहुत सारा सम्स होमवर्क दिया था, आप ये ट्रिक से वो सारे सम्स हो जाएगा। तो ये सारे सम्स को शॉर्टकट में कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो आपका फुल मार्क्स आएगा। ये टू मार्क्स का भी आ सकता है, फोर मार्क्स का भी आ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको लिखना कैसे है, आंसर में लिखिए गिवन पॉलिनोमियल, ऐसे लिखिए पहले गिवन पॉलिनोमियल इज। तो क्या पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ओके, आप क्या बोल दिया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो अल्फा बीटा जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, शुरू में ही बताया आपको। आप लिखिए सिंस अल्फा जो गिवन रहता है उसको सिंस से लिखते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, हम ये लाइन पढ़ के ही जो कंडीशन हमको पता है वो लिखेंगे। ओके, देखिए अल्फा एंड बीटा द जीरोज बोल दिया, तो अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ द एवव पॉलिनोमियल ऑफ द एवव, आप गिवन पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। सिंस के बाद देयरफॉर आता है, देयरफॉर क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पे माइनस के बदले माइनस लिखिए, बी क्या है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, शुरू में ही बताया, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, थ्री या माइनस थ्री, माइनस थ्री स्टूडेंट्स, हम ये साइन भी लेंगे। ओके, ओनली थ्री नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जब बोलेंगे, कोफिशिएंट में वो जो नंबर दिखेगा वो साइन भी लेना है, ये माइनस थ्री भी लेना है, तो बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस थ्री अपन के बदले अपन। अब ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं मीन्स वन है, तो ए इज वन। देखिए स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस थ्री, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, तो सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पे टू लेंगे या प्लस टू, देखिए टू और प्लस टू तो सेम होता है, तो प्लस टू को आप टू ही लीजिए। ओके, अगर माइनस टू रहता है तो माइनस टू लेते हैं सी को। ओके, अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए का वैल्यू आएगा वन, तो टू बाई वन क्या होता है, टू। तो हमको फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थ्री मिला है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू टू मिला है, तो ये दोनों का दो वैल्यू हमको पता है, ये दो वैल्यू यूज करके हम ये वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए वन नंबर पे इतना तो करना ही है, अब हर एक सम्स में इतना तो आपको करना ही है, तो आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, इसका वैल्यू आपको पूछा है, फाइंड द वैल्यू बोल के,
देखिए आपको अभी बताया कि ट्रिक, अल्फा माइनस बीटा बीटा दिखेगा तो तुरंत आप लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये लिखने बोले थे ना। आप बोलेंगे क्यों लिखेंगे ये, देखिए एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता है और अल्फा बीटा पता है, तो हम अल्फा माइनस बीटा तो पता नहीं है, इसीलिए हम ये दो वैल्यू, ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यू यूज़ करेंगे, इसीलिए हम इसमें बदल दिया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिख सकते, 3, तो 3 होल स्क्वायर माइनस के बदले माइनस, 4 के बदले 4, इंटू के बदले यहाँ पे कुछ नहीं इंटू है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो अल्फा बीटा की जगह पे 2, तो इक्वल के बदले इक्वल लीजिए, रूट के बदले रूट, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस के बदले माइनस, 4 टू जा 8, तो 9 माइनस 8 क्या होता है 1, तो रूट अंडर 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए 5 करके थोड़ा मिटा देंगे। देखिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करने बोले हैं, तो आप ये ब्रैकेट खोल सकते हो, देखो अल्फा के साथ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा इंटू दिस, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा बीटा, प्लस के बदले प्लस, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा हो जाएगा। आप प्लस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करिए यही तो आएगा, तो प्लस के बदले प्लस, ये प्लस जो है यहाँ पे लिख दीजिए, और बीटा प्लस 1 है, बीटा प्लस 1 लिख दीजिए। ओके तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे करते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या मिला हमको 2, तो ये अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 लिख दीजिए, प्लस के बदले प्लस, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो 3, और प्लस 1 के बदले प्लस 1, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 क्या होता है 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 6, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो 5 कर दिया है हमने, 5 नंबर का आंसर इतना तो लिखना ही है आपको, उसके बाद आएगा। अब 2 देखिए, 2 नंबर में क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो, अभी बताया हिंट जो ट्रिक है उसमें क्या बताया, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखना है, आप अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या लिखना है रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखना है, इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखना है, आप देख के देखे वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 और अल्फा बीटा की जगह पे 2, रूट अंडर 1 आ जाएगा, ये अभी किया है क्वेश्चन नंबर 1 पे, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो 3 नंबर पे आपको पूछा है कि 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का वैल्यू फाइंड करो। देखिए इसमें आपको क्या करने मन कर रहा है, इसमें आपको एलसीएम लेने का मन कर रहा है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा ऊपर में आएगा, तो बीटा माइनस अल्फा को आप माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स प्लस है, तो प्लस माइनस 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 अल्फा और माइनस माइनस प्लस बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है, तुरंत आपको फॉर्मूला लिख देना है जो ट्रिक 1 है, तो इसका वैल्यू हमको 1 मिला था ना, जब अल्फा प्लस बीटा को 3 और अल्फा बीटा की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, तो माइनस 1 ऊपर में आएगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा क्या है 2, तो माइनस 1 बाई 2 इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करिए और हम आंसर कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो आपको ट्रिक में बताया कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दिखेगा तो तुरंत ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। आप देखिए अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है ना, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है कि नहीं, आप ब्रैकेट के बदले ब्रैकेट दीजिए, हम यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है। अब ये भी बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई भी सम्स में दिखेगा तो तुरंत आपको लिखना क्या है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सारे ट्रिक आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, ओके, नहीं तो आप भूल जाओगे।
तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे ये फॉर्मूला लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा है प्लस अल्फा बीटा लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 3, अल्फा बीटा के जगह पे 2 रखना है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 तो ये 1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप डिटेल में करिएगा एग्जाम में, तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। अब इसका देखिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू आएगा 9, तो सेकंड ब्रैकेट का 9। अब ये दोनों को जोड़ो, माइनस टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस अल्फा बीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो माइनस अल्फा बीटा मतलब माइनस, अल्फा बीटा का वैल्यू है 2, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो 9 माइनस 2 क्या होता है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। देखिए एग्जाम में सिर्फ ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा चेंज कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे बोल देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके लिए आप ये सारे वैल्यू फाइंड करो। सिर्फ आपका ये जो बी और ए चेंज हो जाएगा, सी ए चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल सिर्फ चेंज कर देगा, पॉलिनोमियल ये भी दे सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, कुछ भी दे सकते हैं, बट क्वेश्चन सेम रहेगा। तो इस टाइप का और भी इम्पोर्टेंट कुछ कुछ सम्स करते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। तो लिखने का पैटर्न आपको सेम रखना है, द गिवेन पॉलिनोमियल इज इक्वल के एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लिखना है। सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द अबव पॉलिनोमियल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, बी क्या है यहाँ पे 1 और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस 1 बाई 1 क्या होता है, माइनस 1 ही आएगा। एंड अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए, तो सी सी क्या है, सी इज माइनस 2, यहाँ पे साइन भी लेना है, और 1 तो माइनस 2 बाई 1 क्या होता है, माइनस 2। आपको क्या फाइंड करने हैं, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, तो आपको क्या करना है, एलसीएम करना है, एलसीएम क्या है, अल्फा बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा बाई अल्फा बीटा। अब इसके बाद वाला लाइन यहाँ पे करते हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा दिखेगा तो तुरंत आपको क्या लिखने बोले हैं कि अल्फा प्लस बीटा हो स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे माइनस रूट अंडर, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 हो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ये अल्फा बीटा क्या है, माइनस 2 ओवर अल्फा बीटा क्या है, माइनस 2। देखिए माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, अल्फा बीटा की जगह माइनस 2 रख दिया था और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 1 रख दिया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट अंडर माइनस 1 होल स्क्वायर का तो 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8, रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 क्या होता है, 3 होता है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर है 3। तो सेम क्वेश्चन आप लिख लीजिए, तो सेम क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सिर्फ इसको हिंट दे देंगे, करेंगे नहीं, आप पहले एलसीएम ले लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आप लिख सकते हो अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ओके, तो आप आपको बताया कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दिखेगा तो तुरंत अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखना है और अल्फा बीटा होल स्क्वायर। आप इसके जगह पे वो जो एट वन नंबर ट्रिक यूज़ करिए और अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू, अल्फा बीटा के वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन करिए और आंसर हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेयर के इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आपका एक बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो आपका के का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपका सेम आपको लिखना है जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस 1, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 2, इतना दूर तक तो करना ही है सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल बोल के। अब ये रिलेशन आपको गिवन है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा दिखेगा तो तुरंत क्या लिखने बोले हैं कि अल्फा प्लस बीटा हो स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है।
आप अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस वन होकर माइनस फोर इन टू अल्फा बीटा की जगह पे माइनस टू, तो ये माइनस वन होकर वन प्लस फोर टू जै एट, तो रूट अंडर नाइन, रूट अंडर नाइन मतलब थ्री। तो के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू मतलब के मतलब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आया थ्री। देयरफॉर आंसर क्या लिखेगा, फाइनल आंसर इक्वल टू के इक्वल टू थ्री लिख के बॉक्स बना दीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ये रिलेशन से आप के निकालिए। ओके तो यहाँ से आपका क्या कैसे करेंगे ये सम्स, सिर्फ हम हिंट दे देते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिएगा, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू तो थ्री आया था और अल्फा प्लस बीटा के माइनस वन आया था, अल्फा प्लस बीटा क्या आया माइनस वन, तो ये इसका आंसर आएगा माइनस वन इंटू थ्री दैट इज माइनस थ्री। ये क्वेश्चन का के का वैल्यू आएगा माइनस थ्री। जितना क्वेश्चन आज किया है सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमको लगता है ये है। डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं है, आप अगर ट्राई करेंगे तो आप कर सकते हो। ओके देखने में डरा हुआ है बस और कुछ नहीं। देखिए आपका गिवन पॉलिनोमियल बोल के लिखिए, लिखने का पैटर्न हम लिख देते हैं, गिवन पॉलिनोमियल इज बोल के लिखिए पी एक्स क्या है, पी एक्स इक्वल टू ये पॉलिनोमियल गिवन है तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। आप यहाँ पे अल्फा बीटा आर द जीरोज बोल दिया है तो लिख दीजिए सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या अबव पॉलिनोमियल देयरफॉर बोल के, हम डिटेल में नहीं करेंगे, आप जो बता रहे हैं वो लिखते चलिए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला है बी, बी क्या है माइनस पी, ए क्या है वन, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस पी, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी मतलब यहाँ पे सी क्या है क्यू, क्यू बाई वन दैट इज क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला पी एंड अल्फा बीटा क्या है क्यू, ये दोनों वैल्यू हमको इसमें पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो नेक्स्ट लाइन तो याद रखिए ठीक है, हम मेरा स्पेस कम है इसीलिए यहाँ पे लिख के रखते, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या मिला पी एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू, तो इसके बाद वाला लाइन आप क्या लिखेंगे ये लिखिएगा नहीं, हम सिर्फ भूल जाएंगे इसीलिए लिख के रखे हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद वाला लाइन एल एच लिखिए, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, आपको जो मन कर रहा है वही करिए। देखिए हमको एलसीएम लेने का मन कर रहा है, एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ना, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा टू द पावर फोर। आप कोई भी सम्स में अगर ए टू द पावर फोर दिखेगा तो तुरंत आप ये लिख दीजिएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके अगर ए टू द पावर सिक्स दिखेगा तो तुरंत आप लिखिएगा ए स्क्वायर होल क्यू लिख सकते या फिर ए क्यू होल स्क्वायर, ये सम्स देख के पता करना पड़ता है। तो ए टू द पावर फोर देखेंगे तो तुरंत आपको ए स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है, तो अल्फा टू द पावर फोर है तो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर फोर है, बीटा टू द पावर फोर की जगह पर हम लिखेंगे बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके अपन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कब लिख सकते हो, अल्फा बीटा होल स्क्वायर क्लास नाइन्थ का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कब लिख सकते हो ए बी होल स्क्वायर। ओके देखिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझिएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता तो आप अल्फा स्क्वायर को ए मानिए और बीटा स्क्वायर को बी मानिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। समझिए स्टूडेंट अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है तो अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बीटा स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला लाइन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे लिख दिया। देखिए तो आपको हम बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई भी सम्स में दिखेगा तो तुरंत क्या करना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। आप यहाँ पे होल स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है तो हम सेकेंड ब्रैकेट के अंदर बाहर होल स्क्वायर दे देंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख दिया और बाहर जो स्क्वायर है वो यहाँ पे लिख दिया माइनस के बदले माइनस टू के बदले टू, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ओके अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पी अल्फा बीटा की जगह पे क्यू रख दीजिए, बस आपका सम्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे करते हैं तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पी, तो पी स्क्वायर आएगा माइनस के बदले माइनस
टू के बदले टू और अल्फा बीटा के जगह पे क्यू, ब्रैकेट के बदले ब्रैकेट, तो हम फर्स्ट ब्रैकेट दे देते हैं, होस्कर के बदले होस्कर, माइनस के बदले माइनस, टू के बदले टू, अल्फा बीटा के जगह पे क्यू, तो क्यू होस्कर मतलब क्यू स्क्वायर होल डिवाइड बाई अल्फा बीटा होस्कर, दैट इज क्यू होस्कर, दैट इज क्यू स्क्वायर। आप देखो इससे ये प्रूफ करना है। तो और एक दो लाइन यहाँ पे a माइनस बी होस्कर फार्मूला क्या है, a माइनस ये a मानिए इसको b मानिए, तो a माइनस बी होस्कर फार्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टू क्यू होस्कर माइनस टू ए बी, यही तो होता है a माइनस बी होस्कर। आप यहाँ पे जो माइनस टू क्यू स्क्वायर है वो छोड़िए, तो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू क्यू स्क्वायर, टू स्क्वायर लिखिए और अपन क्यू स्क्वायर लिख दिया है। आप इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं। आपको बताया था कि ए टू दिवर फोर को आप ए स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर को आप ए टू दिवर फोर भी लिख सकते हो, तो पी स्क्वायर होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, पी टू दिवर फोर प्लस के बदले प्लस, टू स्क्वायर क्या होता है फोर, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बदले माइनस, टू टू जा फोर, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू सॉरी माइनस टू क्यू स्क्वायर आएगा होल डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। देखिए पी टू दिवर फोर के बाद पी टू दिवर फोर लिखा और माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू पहले लिख दिया और प्लस फोर क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर क्या होता है टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू क्यू स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। आप स्प्लिट कर दीजिए दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, तो दिस बाई दिस करेंगे तो मिलेगा पी टू दिवर फोर बाई क्यू स्क्वायर माइनस के बदले माइनस, तो फोर पी स्क्वायर क्यू ओवर क्यू क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर पी स्क्वायर क्यू ओवर क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस के बदले प्लस और टू क्यू स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर ये मिलेगा ना स्प्लिट करेंगे तो दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस। तो देखिए यहाँ पे एक क्यू कटेगा और यहाँ पे क्यू स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या पी टू दिवर फोर बाई क्यू टू क्यू स्क्वायर माइनस माइनस फोर पी स्क्वायर फोर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर प्लस के बदले प्लस टू के बदले टू। तो इसके बाद वाला लाइन आप लिख दीजिए ये वाला लाइन लिख दीजिए इक्वल टू बोल के ये लिख दीजिए पी टू दिवर फोर बाई क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस टू। इसके बाद वाला लाइन यहाँ पे लिखिए इक्वल टू आर एच एस, यही तो राइट हैंड साइड था, यही तो राइट हैंड साइड था, आर एच एस बोल के ब्रैकेट के अंदर प्रूव्ड। ऐसे लिखेंगे तो आपको फोर मार्क्स का साम सही है, फोर मार्क्स ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपका 2.2 है वो सॉल्व करेंगे।